गुड मॉर्निंग दिल्ली, हेलो नमस्ते, केम छो। मैं प्रशा, आपकी दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका 95.2 FM नॉलेज स्टॉप में। तो आज दोस्तों स्पेस एक्सप्लोरेशन डे के मौके पर मैं लाई हूँ आपके लिए नॉलेज का पिटारा। तो चलिए सुनने से पहले लेते हैं म्यूजिक का थोड़ा सा मजा। हेलो, मैं आपकी दोस्त और होस्ट हाजिर हूँ एक छोटे से म्यूजिकल इंटरवल के बाद। तो आज दोस्तों हमारे नॉलेज के पिटारे के अंदर है नासा और इसरो के फेमस स्पेस एस्ट्रोनॉमर्स मिस मानसी एंड मिस स्वास्तिका। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मानसी, अ स्पेस एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम नासा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वास्तिका, अ स्पेस एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम इसरो। तो मिस मानसी एंड मिस स्वास्तिका, क्या आप हमारे क्यूरियस एंड डेस्परेट ऑडियंस को ये बताएंगी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन डे की सिग्निफिकेंस क्या है और हिस्ट्री क्या है? यस डेफिनेटली, स्पेस एक्सप्लोरेशन डे की जो हिस्ट्री है वो बहुत पहले समय से है। बेसिकली स्पेस एक्सप्लोरेशन का दौर एक स्पेस रेस से स्टार्ट हुआ जो कि सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कराई गई थी, और इसमें दोनों ने मिसालें स्थापित की थी। जैसे सोवियत यूनियन ने स्पुटनिक 1 लॉन्च किया था जो कि अर्थ को ऑर्बिट करने वाला था। फिर 1957 में यूरी गागोरिन ने फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वोस्टोक में ब्रह्मांड का सफ़र किया था, और इस पूरे इवेंट स्पेस को एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी सब में आ गई थी। इंडिया में भी वैदिक एज की टाइम पीरियड से एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस प्रिडिक्शन होती आई हैं। आर्यभट्टा ने जैसे ये बात मेंशन की थी कि मून की शाइन इसलिए है क्योंकि मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इवोल्यूशन हिस्टोरिकल टाइम्स से ही चलता आ रहा है, जिसकी वजह से आज स्पेस एक्सप्लोरेशन डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको सुनकर मज़ा तो आ रहा होगा। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हम यही मिलेंगे 95.2 FM नॉलेज स्टॉप में। On this track from the beginning, I'm the center of the solar system, planets be spinning around me, so hot, I'm roasting, you see. हेलो, मैं आपकी दोस्त और होस्ट प्रिशा हाजिर हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से 95.2 FM नॉलेज स्टॉप में। तो मैं स्वास्थ्य का, क्या आप ये बताना चाहेंगी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? यस ऑफ कोर्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमोरेट द फर्स्ट टाइम नॉन सेट फुट ऑन द मून। This day is also referred as Moon Day. Yes, space exploration helps in many ways, also like providing and disproving scientific theories made on Earth. उम्मीद है दोस्तों आपको हमें सुनकर खूब मजा आया होगा। हमारा आज का समय आपके साथ यहीं खत्म होता है, कल फिर मिलेंगे इसी समय 95.2 FM नॉलेज स्टॉप पे एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। I got mountains and volcanoes and spray. I'm the